फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं चिकन कोरमा देग स्टाइल में। चिकन कोरमा वैसे मैं क्यों बना रही भी बता दो। हाँ, मैं इसलिए बना रही हूँ कि हर बच्चे लोग, हर घर में बिरयानी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? भाई नहीं, लेकिन क्यों बनती है पहले वो बताओ। अरे ईद आ रही है, ईद। तो मेरा बोलने का मतलब है, ईद हो या ना हो, बहुत से आदमी होते हैं ना जो घरों के, वो चावल से परहेज करते हैं। जैसे अभी डायबिटीज वाले तो खाते ही नहीं चावल, और बहुत से लोगों को ना बिरयानी भी बनी रहेगी ना, तो उनको सालन और रोटी ही खाने की आदत है। यानी कि जिनको चावल भाई जमता ही नहीं, हाँ, चाहे बिरयानी बनाओ चाहे दाल चा बनाओ, तो उन लोगों के लिए मैं आज देगी वाला कोरमे का सालन बना रही हूं। तो ये आप कोरमे का सालन अपने ईद के मौके पे भी, यानी ईद के दिन भी बना सकते हो। हम इसे कोरमा सालन बना लिए तो उसके साथ रोटी, नान बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं मस्त वाले, तंदूरी रोटी बताई हूँ मैंने मेरे चैनल पे, वो भी बना सकते हैं। हमारे घर में भी अगर बिरयानी ना बने ना, तो ये चिकन कोरमे का सालन बनना ही है। और एक हिसाब से ना चिकन कोरमा जो ये सालन है ना, ये एक रेगुलर करी है चिकन में, है ना? तो कोई भी बना सकता है, और हर घर में मेरे हिसाब से तो हर घर में बनना चाहिए और बनता ही होगा। ठीक है, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के चिकन कोरमे का सालन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, तलीली प्याज, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा खोपरा, खसखस, कोथमीर, पिसा हुआ गरम मसाला, केवड़ा वाटर, और ये हमारे खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, जीरा, लौंग, काली मिरी, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक फूल। और यहाँ लगेगा हमको घी, और इसमें से मसाले लगेंगे हमारे हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोरमा बनाने के लिए उसका मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 प्याज तल के लेके आई हूँ, जिसको मैं मिक्सर में डाल के बिना पानी के इसी तरीके से इसको बारीक पीस लूंगी। ठीक है, इसको बिना पानी डाले के मैं पीस लूंगी। और दूसरा, मैं यहाँ पर जो अभी सूखा खोपरा ली थी, इसको मैंने इस तरीके से खिरस ली हूँ, और ये 1.5 चम्मच मैंने खसखस ली हूँ। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख ली हूँ, इस पे डाल के भून लूंगी हल्का सा। और जिसको खसखस नहीं मिलती, मतलब जैसा बहुत से लोगों के यहाँ खसखस नहीं मिलती, बहुत से लोग मेरे को पिछले बारी को भी कमेंट्स किए थे कि आंटी आपने खसखस डाल दी, हमारे यहाँ तो खसखस ही नहीं मिलती, तो उसके बदले में हम क्या डालें? तो आप डाल सकते हैं ये सूखे खोपरे के साथ काजू। ठीक है, खसखस नहीं मिल रहा तो काजू डाल सकते हैं। इसमें मैंने कुछ तेल वगैरह नहीं डाली हूँ, बस इसको हल्का सा हमको 2 मिनट भूनना है। तो देख रहे हैं आप लोग, खोपरे ने थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लिया है, और इसमें खुशबू माशाल्लाह अच्छी आने लग गई है। तो अब इसको जलाएंगे नहीं, हम पहले ही निकाल लेंगे इसको यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, इसमें खसखस डाल देंगे, और इसको भी हल्का सा भून लेंगे और फटाक से निकाल लेंगे, क्योंकि ये उड़ने लगता है। ठीक है, ये ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनेंगे ना, तो ये उड़ने लगता है, और इसको ज़्यादा बहुत जल्दी ये काली हो जाती है। इससे अच्छा हमको इसको काली नहीं करना है, बस स्लो आंच पे भून रही हूँ मैं, एकदम स्लो पे। बस हो गया ये, इसको ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी। अब हम इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे, लेकिन ये पीसने के पहले हम क्या करेंगे, मिक्सर में हम हमारा ये सूखा प्याज पहले पीस लेंगे। प्याज पीस के निकालने के बाद हम ये खसखस और खोपरा पीसेंगे, लेकिन खोपरा और खसखस में हम पानी डाल के पीसेंगे, बिना पानी के नहीं पीसेंगे, हमको ये एकदम बारीक पेस्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं ये पीस के आती हूँ दोनों। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने खोपरा और खसखस एकदम बारीक पीस ली हूँ। इसको अच्छा बारीक पीसने का, क्योंकि खसखस है ना जल्दी बारीक नहीं होती है, इसलिए एकदम इसको बारीक करने का पानी डाल के, इसलिए मैंने इसको सूखा नहीं पीसी। अब ये हो गया हमारा मसाला पीस के, हमने इसको साइड में रख दिए, और यहाँ पर मैंने जो प्याज बोली थी ना बिना पानी के, वो भी मैंने पीस ली हूँ। ठीक है, इसको ऐसा ही पीसना है, इसको एकदम ज़्यादा बारीक नहीं करना है। उसमें कितना पानी डाले? इसमें पानी डाली ही नहीं, उसमें सिर्फ आधा कप के इतना पानी डाली हूँ, क्योंकि उसमें पानी डालना ज़रूरी है, नहीं तो खसखस आपकी बारीक नहीं होंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ हमारा टोप रख दिए हैं,
तो अब टोप के अंदर हम सीधा स्टार्ट करेंगे घी से, क्योंकि हमारा कोरमा बन रहा है ना, तो कोरमे का टेस्ट घी से ही आता है। अब अगर आप लोग आधा घी और आधा तेल डालना चाहते हैं मेरी तरह तो डाल सकते हैं। मैं पूरे घी में नहीं बना रही हूँ, आधा घी ले रही हूँ आधा तेल ले रही हूँ। घी बच जाता है, घी बच जाता है का मतलब नहीं है, बहुत से लोगों को घी भी नहीं होता है, ज्यादा नहीं चलता है। और घी से टेस्ट अच्छा आता है, मेरा मानना है कोरमे में घी डालना ही चाहिए, ठीक है। और ना कोरमे में तेल या घी थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है, ठीक है। मालपुआ भी तो घी से बनता है ना? हाँ, मालपुआ घी से, अरे मीठी डिश तो घी से ही बनती है। चलो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा तेल हो गया गरम, अब हम डाल देंगे इसमें खड़े गरम मसाले। तो मैंने खड़े गरम मसाले में ली हूँ 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 फूल, और यहाँ पे ली हूँ मैंने 8-10 काली मिरी, और ये 3 लौंग। और आज मेरे पास शाह जीरा नहीं है तो मैं ये वाइट वाला जीरा डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास शाह जीरा हो तो शाह जीरा डाल देना। और यहाँ पे 2 से 4 तेज पत्ते ली हूँ मैंने। अब मैं गैस स्लो करूंगी क्योंकि हमारा तेल हो गया है अच्छा खासा गरम। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली हूँ 650 ग्राम, ठीक है, आप अपने हिसाब से लेना। अब हम ये घी के अंदर ही ये चिकन छोड़ देंगे। यार भाग जा पीछे। ये घी के अंदर अभी मैं 2 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून ली हूँ। अभी ये कलर भी चेंज हो गया है, और मेरी लेग पीस है ना छोटी छोटी थी इसलिए मैंने बीच में कट नहीं लगाई। अगर आपकी भी छोटी हो तो ना लगाए, लेकिन बड़ी रहेगी ना लेग पीस तो बीच में से थोड़ा कट लगा लेने का। अब मेरी छोटी थी बल्कि मैंने लेग पीस में कट नहीं लगाई क्योंकि फिर वो चूरा हो जाएगी, भूनते भूनते मेरी तो लेग पीस वैसे ही गल जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन, अब इसको भी एक मिनट आधा मिनट जरा अदरक लहसुन चिकन में अच्छे से लग जाए। तो अदरक लहसुन मैंने 1 मिनट तक भून ली हूँ। अब हमको यही तेल के अंदर सबसे पहले क्या डालना है, कश्मीरी लाल मिर्ची। ये कश्मीरी लाल मिर्ची डाल के हमको अच्छे से भून लेना है। ये कश्मीरी लाल मिर्ची डालने की वजह मेरी सबसे पहले कि आपके कोरमे का जो ना कलर है ना निखर के आएगा। आप मसाले में भी डाल सकते हैं लेकिन तेल में अगर कश्मीरी लाल मिर्ची डालते हैं तो सबसे ज्यादा कलर निखर के आता है। 1 चम्मच मेरा मानना है, आप सारे मसाले से पहले जब तेल आपका चरचर करते रहता है ना उसी टाइम पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देने का, उसके बाद आप सारे मसाले डाल। तो तेल में पकते साथ सालन का जो कलर है वो एकदम निखर जाता है। अब डालेंगे हम हमारे सारे दूसरे मसाले, जैसा हम लिए अभी 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हमारा तेज वाली मिर्ची की बुक्की। ये हो गया हमारा। अब देखो पाउडर पाउडर करते तक आई गए ना मैं बुक्की पे, मेरा यही मसला होते है। मैं ना पाउडर पाउडर, अच्छा तुम लोग बोलते हैं ना तो मैं बोलती हूँ, कोशिश भी करती हूँ कि मैं पाउडर बोलूँ, लेकिन लास्ट में एक आधे जगह पे मेरी बुक्की आ जाती है। हाँ तो वो सब पाउडर है ना, लेकिन मिर्ची की तो बुक्की जो होती है ना वो भी पाउडर ही चाहिए, बुक्की का मतलब ही पाउडर होता है, ठीक है। लेकिन धनिया पाउडर होता है, हल्दी पाउडर होता है, मिर्ची की तो बुक्की जो होती ना मेरे लिए तो सभी बुक्की है, ठीक है। और हाँ, बिरयानी के वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि अम्मी आप जायफल नहीं डालते हो क्या बिरयानी में। तो बेटा मैंने जो घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाली हूँ राजा, वो देखे नहीं होंगे, उसमें अच्छा खासा मैंने जायफल पीसा है गरम मसाले में, तो मुझे ज़्यादा खुशबू नहीं पसंद है। मैं केवड़ा वाटर भी बहुत कम डालती हूँ, बहुत से लोगों को ज़्यादा तेज़ खुशबू पसंद आती है, बहुत से लोगों को बहुत कम लाइट खुशबू पसंद आती है, और बहुत से लोगों को खुशबू पसंद ही नहीं आती है। तो इसके लिए मैं बहुत सोच समझ के डालती हूँ,
क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा खुशबू नहीं पसंद करते। ठीक है, अब ये मसाला मैंने भून ली हूँ बात करते करते 2 मिनट। अब क्या करेंगे हम, हमारा ये डाल देंगे, हमारा जो ये खोपरा और खसखस हमने पीसे थे ना, हम ये डाल देंगे। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा भून लेती हूँ मैं। अब ये जो हमने खोपरा और खसखस डाले हैं ना, ये भूनने के लिए हमें गैस थोड़ा स्लो कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो खसखस है वो टोप को चिपकती भी है पकते पकते, तो थोड़ा स्लो आंच पे ही भून लेना। ठीक है, तो देखो 1 से 2 मिनट तक मैंने ये भी मसाला अच्छे से भून ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम ये जो मिक्सर में जो मसाला था हमारा खोपरा खसखस, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने वो भी निकाल लिए है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसी के अंदर दही भी डाल देंगे हमारा। तो ये दही मैंने ली हूँ 200 ग्राम, क्योंकि हम इसमें टमाटे इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, सिर्फ दही पे ही कोरमा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दही अच्छी खासी लेनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ 200 ग्राम दही, और हम डालेंगे ये 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर जो मैंने घर में पीसा हुआ है। इसका भी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलरेडी हमने डाल चुके हैं। हाँ, ऑलरेडी हमने गरम मसाले का वीडियो बना के डाल चुके हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब नमक तो मैं मेरे हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लेना। ठीक है, अब इसको हमको पूरा दही का पानी सूखे तक पकाना है। तो चलो देखते हैं, 10 मिनट से पक रहा है मेरा कोरमा। ये दही के पानी में ही पक रहा है अभी तक। हाँ, हमने एक बूंद पानी नहीं डाले हैं इसमें, दही और गरम मसाला जो डाल के मैंने इसको जब से ढक के रखी हूँ, जब से ये पक रहा है दही के पानी में। हम गैस थोड़ा स्लो कर लेते हैं और इसको अच्छे से हिला लेते हैं। देखो तेल पूरा छोड़ दिया है मेरे मसाले ने, मतलब मेरे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब ले लेंगे हमारी ये जो प्याज हमने पीस के रखे थे, अब ये डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। ये भी शिरवे में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। एक नंबर बनेगा। हाँ, ये गरम मसाला वसाला सब डाली हूँ मैंने, प्याज, खोपरा, खसखस। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से पकाना। अब डालेंगे हम इसके अंदर पानी। और पानी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे अभी, कि हमको अभी कोरमे के सालन को और 10 मिनट तक पकाना है, ताकि हमारा चिकन एकदम सॉफ्ट हो जाए, है ना। और मसाला भी देखो मेरा कितना मस्त हो गया है। इसी तरीके का हमको सालन चाहिए कोरमे का, लेकिन अभी नहीं, अभी पकने के बाद। अभी पहले मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी। और देगी जो दावतों का जो कोरमा होता है वो मोस्टली एकदम गाढ़ा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, है ना। बरातियों को खिलाना होता है तो थोड़ा शिरवा टाइप ही होता है, तो इसलिए मैं आज शिरवा टाइप ही बनाऊंगी कोरमे का सालन, एकदम सूखा बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर पे हम डाल देंगे हमारा थोड़ा सा केवड़ा वाटर, लेकिन डालूंगी एकदम थोड़ा सा, मतलब सिर्फ 2 बूंद 1 बूंद 2 बूंद। मुझे ज़्यादा खुशबू नहीं पसंद, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बोली थी, इसलिए मैं सिर्फ 2 बूंद डालूंगी, ताकि इसमें कोरमे का टेस्ट फील हो हमको बस। अब हम इसको थोड़ा पकने देंगे, आराम से इसको पकने देंगे, इसका सारा सालन अच्छा थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। थोड़ी सी कोथमीर डाल के इसको पकने रख देते हैं ढक के। अभी पूरा 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी मैं मीडियम फ्लेम पे। तो चलो देखते हैं, 10 मिनट तक मैंने और पकाई पानी डाल के इसको। ठीक है, वाओ, पक गया है एक हिसाब से मेरा कोरमे का सालन।
चिकन भी एकदम गल गया है अच्छे से, देख रहे हैं आप लोग, चिकन भी एकदम गल चुका है और सालन भी जितना हमको गाढ़ा चाहिए उतना हो गया है। अब क्या करेंगे हम, मैं आप लोगों को बता दूं पहले, देखो सालन ये देखो ये हो गया है मेरा कोरमे का ग्रेवी, मस्त है ना, इतना ही चाहिए मुझे। अभी मैं इसके ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी। अब हम इसमें डाल देंगे कोथमीर, बस, और डाल देंगे हम थोड़ी सी प्याज। ये हमारा देगी कोरमा रेडी हो गया है। अब मैं कर दूंगी गैस बंद। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना चिकन कोरमा, ये देखो कौन सा अभी देगी वाला। हाँ, है ना मस्त भाई। ये चिकन कोरमा बोलते ना एक रेगुलर सालन है ना, मैं हर कोई बनाता है घर में। हाँ। अब बनाता ही होगा। हाँ। मेरा मानना है अपने घर में भी बहुत बनता है ना, मैं सालन तो बहुत खाते हैं और हमारे घर में तो चिकन मटन चलते ही। हाँ, अगर भाई ईद में अगर आप बिरयानी नहीं बनाना चाहो, वैसे तो बहुत से सालन है ये, तो बस हम लोग ने ऐसी बताया कि जो कोई बिरयानी नहीं बनाना चाहता हो तो ये सालन के साथ ना तंदूरी रोटी हो गया या मोटी वाली चपाती हो गया या फिर अम्मी के नान है ना। हाँ, अगर ईद स्पेशल इसको और बनाना है आप लोगों को आपकी तरफ से, तो इसमें काजू पीस के डालो, बादाम फ्राई करके डाल दो, शाही डिश। हाँ, काजू बादाम गिर गया ना तो सीधा डिश है, शाही डिश हो जाती है। हाँ, और मलाई या क्रीम ऐड कर लो, है ना, तो ईद स्पेशल हो जाएंगी आप लोगों की। और ये है नॉर्मल रेगुलर घर का सालन। हाँ, अगर आप ईद स्पेशल के लिए बना रहे हो तो भाई इसमें मैंने बताया काजू बादाम और फिर क्रीम डाल दो तो सही में और मजा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और मैं इस तरीके से इसलिए बनाई कि मेरे हर बच्चे बना सके। हाँ, जिनके पास काजू बादाम नहीं ला सकते वो भी ये बना सकते हैं खसखस खोपड़ा लाके, इसके लिए मैंने ये सालन बनाया। और अम्मी कुछ लोग कमेंट किए थे कि फ्राई ऑनियन की रेसिपी, तो यार वो सही होगा फ्राई ऑनियन की रेसिपी डालना? फ्राई ऑनियन की रेसिपी चाहिए जैसे तो... का लास्ट वीडियो गया था चिकन टिक्का बिरयानी का, तो भाई जो कोई भी नहीं दिखा होगा तो फटाक से देख लेना, तो उसमें अम्मी ने फ्राई ऑनियन जो दिखाया ना तो बहुत कमेंट आया कि रेसिपी चाहिए, तो क्या डालना चाहिए? अगर आप लोगों को सच में चाहिए हाँ तो ये वीडियो में आप कमेंट करके तो बता सकते हैं, मुझे बताना तो मैं फटाफट आपको ईद के लिए। अगर ज्यादा कमेंट आए तो हमें ऐसा तो, लगेगा कि हाँ यार अब डालना चाहिए तो हम जरूर डालेंगे फ्राई ऑनियन की रेसिपी, क्योंकि यार ईद में ही लोग बिरयानी ट्राई करेंगे तो उसके लिए तो फ्राई ऑनियन कैसा होना, कोरमे के लिए भी फ्राई ऑनियन लगता है, बिरयानी के लिए भी फ्राई ऑनियन लगता है ना। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि ईद में ही इंसान ज्यादातर बिरयानी बनाता है, तो ईद से पहले आप लोगों को मालूम पड़ेगा तो अच्छी बात है, आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना। तो भाई कोरमे की रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, समझ रहे हो, खाली बात ही कर, वही मुंह में पानी आ रहा है इसलिए मैं ज्यादा देख रहा नहीं हूँ वहाँ पे, खाली बात ही कर। बिरयानी बोला सही में, मेरे को याद है पानी आ गया था, अभी क्या बोला मेरे को मालूम, थोड़ी देर पहले हमने अपन पिछले साल बना, आप लोग को भी बोलता हूँ बोला ये सब रेसिपी जब हम लोग लास्ट रमजान में बना रहे थे ना तो हम लोग तो ऐसे मजे ले लेके खा रहे थे, रमजान में ही, लेकिन क्यों वो टाइम था हम लोगों का अफ्तार से नहीं ईशा की नमाज के बाद हम शूट करते थे तो हम लोग को खाने मिल जाता था, बट अभी कैसा ना हम लोग रमजान रोजों के बीच में ये बना रहे शूट कर रहे तो खा नहीं सकते हैं। पिछले साल लॉकडाउन में तरावी बंद था ना, तरावी के लिए नहीं जा रहा था घर में, ईशा पढ़ के हम वीडियो के लिए आ जा रहे थे। अब कैसा है ये बोल रहा नहीं अम्मी, मेरी तरावी मैं बोल रहा था पिछले साल, इसके लिए बाबा ये बारी को दोपहर में ही बनाएंगे। हाँ, ऐसा वही मैं अम्मी को बोल रहा था कि अम्मी लास्ट रमजान में क्या ये सब रेसिपी आप मजे ले लेके खा खा के बता रहे हैं, खाली बताने दे रहे घड़ी घड़ी, देखो ये देखो, एक हफ्ता 7 से 8 दिन बचा है उसके बाद रमजान बाद फिर मिलेंगे वो वापस बुद्धि, कोई बात नहीं 4 से 5 वीडियो ही बचे है उसके बाद ये सब खाएगा। तो भाई देखो कोरमे की रेसिपी ये डिश अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है भाई अभी ईद आने वाली है, अभी बकरा ईद में सब्सक्राइब करेंगे क्या, नहीं ना, सब्सक्राइब करो यार, खाली देख के चले जाना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। और फिर रमजान के बाद लाइक और फिर रमजान के बाद क्या है ना थोड़ा रेसिपी ज्यादा सजेस्ट करो, क्योंकि क्या ना रमजान खत्म हो जाता है तो फिर सीधा इंसान ब्लैंक हो जाता है कि अब क्या डाले, नहीं मैं रेगुलर बेस पे डालूंगी जो घर में पकता है मैं वो। हाँ, फिर इंशाल्लाह हम कुछ नहीं वो भी मैं हम लोग डाल के बताइए, कॉपी करने वाले बहुत लोग वही नहीं बताऊंगा। चलो अब चलते हैं, घर का खाना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, सब ईद अच्छे से खैरियत से मनाना, गर्दियों में नहीं जाना, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, स्ट्रीट फूड जाकर के अपनी इंस्टाग्राम पे भी आईडी बनी हुई है, ठीक है। अब चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।